गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर सब्जेक्ट इज हिंदी ग्रामर चैप्टर 9 विशेषण एडजेक्टिव। ठीक है, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 9 पढ़ाऊंगी। तो देखिए बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए, निहारिका बहुत सुंदर है। निहारिका क्या है? ये नाम है, और नाम क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, तो निहारिका बहुत सुंदर है, सुंदर और बुद्धिमती है। बुद्धिमती का मीन्स बुद्धिमान है। उसका कद, कद यानी कि हाइट, लंबा, बाल भूरे और रंग गोरा है। उसकी आयु 10 वर्ष है। वह बहुत दयालु भी है। उसकी 4 सहेलियां हैं, उसे बहुत पसंद करती हैं। तो देखिए, ये निहारिका की जो है विशेषता यहाँ बताई जा रही है कि निहारिका कैसी है। ठीक है, उसका लम उसका कद कद कैसा है, वो किस रंग की है। ठीक है, देखिए यहाँ निहारिका की विशेषता या गुण बताने के लिए सुंदर, बुद्धिमती, लंबा, भूरे, गोरा, दयालु आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द बता रहे हैं कि वह कैसी है। 10 और 4 शब्द क्रमशः उसकी आयु और सहेलियों की संख्या बता रहे हैं। ये शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को मैं बताई थी कि निहारिका एक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ बताया गया ना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? निहारिका का गुण बताया जा रहा है। ठीक है, कि गुण वो कैसी है। ठीक है, ये सारा चीज़ बताया जा रहा है निहारिका के बारे में। विशेषता उसे कहेंगे कि निहारिका का ये सारा विशेषता है निहारिका का। ठीक है, कुछ विशेषण शब्द हैं। रसीला, नमकीन, खुशबूदार, ऊंचा, चतुर, भोला, सुंदर, आसमानी, कोमल आदि। ठीक है, कुछ विशेषण शब्द ये भी हैं। ठीक है, विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा, संज्ञा के बारे में कैसा दिया रहेगा या फिर कितना दिया रहेगा प्रश्न किया जाता है। जैसे काली बिल्ली, कुछ लोग देखिए जो जो हाईलाइट किया गया है ना वर्ड्स, ये सारा विशेषण है, सॉरी विशेषता बताया जा रहा है कि बिल्ली कैसी है, तो काली है। लोग कितने लग रहे हैं आपको, तो कुछ लोग, काउंट नहीं किया जा सकता है लेकिन कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। स्वादिष्ट गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कैसा है, तो स्वादिष्ट है। आम कितना है, तो 1 किलो है। तो देखिए, कैसी बिल्ली, तो वो बिल्ली काली है। कितने लोग हैं, कुछ लोग हैं। कैसे गुलाब जामुन, स्वादिष्ट। कितने आम, 1 किलो। तो ये सारा इनका क्या है, विशेषता को बताया जा रहा है। ये विशेषता है। ठीक है, बिल्ली की विशेषता काली, कितने लोग हैं, तो कुछ। गुलाब जामुन कैसा है, स्वादिष्ट। आम कितने हैं, 1 किलो। विशेषण देखिए, विशेष्य, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे खट्टा, खट्टा क्या है, विशेषण है। नींबू कैसा होता है, तो खट्टा नींबू, तो खट्टा क्या है, विशेषण है। ठीक है, और नींबू क्या है, विशेष्य है। ये ध्यान से इस लाइन को आप लोग माइंड में सेट करोगे, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, विशाल, विशाल क्या है, विशेषण है, और वृक्ष क्या है, विशेष्य है। विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, इन 4ों का डेफिनेशन यहाँ नीचे दिया गया है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, देखिए, अजीत अपनी माँ के साथ बाजार गया, वहाँ उसने गर्मा गर्म पकौड़े तथा स्वादिष्ट आइसक्रीम खाई एवं नए कपड़े और काले जूते खरीदे। देखिए, सारे विशेषण हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को पेज नंबर 72 में बता चुकी हूँ ना, तो ये पेज नंबर 73 है, तो सेम है। देखिए, गर्मा गर्म पकौड़े की विशेषता है कि वो पकौड़ा कैसा है, गर्मा गर्म, आइसक्रीम कैसी है, स्वादिष्ट है, कपड़े कैसे हैं, नए हैं, जूते कैसे हैं, काले हैं।
इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द वस्तुओं के गुण बता रहे हैं। ये शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण अवस्था रूप रंग आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये भी आप लोगों को एकदम ध्यान से पढ़ना है ना। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, संज्ञा या फिर सर्वनाम दोनों के गुण अवस्था, अवस्था मीन्स कि वो अवस्था किस अवस्था में है, बूढ़ा है यंग है, तो ये भी अवस्था ही कहेंगे। रूप रंग, रूप कैसा है, रंग कैसा है, आकार कैसा, गोल है लंबा है चौड़ा है छोटा है मोटा है, ठीक है, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि गुण को बताया जाएगा इसमें, इसलिए गुणवाचक विशेषण। उदाहरण है रूप रंग नीला गोरा हरा पीला सुंदर कुरूप। कुछ व्यक्ति बहुत कुरूप होते हैं तो कुरूप व्यक्ति के लिए क्या होगा, कुरूप का ये होगा उपयोग होगा कि वो व्यक्ति बहुत कुरूप है। गुण भोला चतुर मूर्ख वाचाल चंचल, ठीक है। अवस्था युवा बीमार स्वस्थ कमजोर, ठीक है। अवस्था कैसी है व्यक्ति की, वो युवा है बीमार अवस्था में, जैसे ऐसे बोलते हैं कि वो उसकी अवस्था बहुत खराब है, वो बीमार अवस्था में पड़ा हुआ, स्वस्थ, ठीक है, कमजोर। आकार, आकार है बड़ा ऊंचा लंबा गोल चौकोर। अब देखिए स्टूडेंट्स, संख्यावाचक विशेषण सेकंड नंबर है। संख्यावाचक, संख्यावाचक में क्या है कि इसमें संख्या बताया जाएगा, कितनी संख्या है, एग्जैक्ट संख्या कितनी है वो बताया जाएगा। देखिए जो हाईलाइट है उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। एक बगीचे में चार बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, एक बगीचा है उसमें कितने बच्चे हैं, चार बच्चे हैं। एकदम एग्जैक्ट बताया जा रहा है ना कि एक बगीचा है, बगीचा एक है, बच्चे चार हैं। पास में दो कबूतर दाना चुग रहे हैं, कुछ तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही हैं, एक तोता पेड़ पर बैठा है, दो लड़कियां गुड़ियों से खेल रही हैं। तो ये काउंटेबल है ना, काउंट कर सकते हैं, इसमें संख्या बताया जा रहा है ना। यहाँ मोटे छपे शब्द संज्ञा की संख्या बता रहे हैं। इन स्थानों प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, ये विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है, पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक क्या है, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला पांचवां सैकड़ों चार दो आदि, ये निश्चित है। ये निश्चित मीन्स ये काउंट हम किए हैं तो इससे ना एक ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। इसमें बताया गया ना कि चार बच्चे खेल रहे हैं, एक बगीचा है, दो कबूतर हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक है कि निश्चित है ही, गलत नहीं है ये। अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक क्या है, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, मतलब कि ऐसे ही वर्बली हम बता दिए। जैसे देखिए ऊपर दिया गया है ना, कुछ कहाँ दिया गया था कि कुछ, देखिए कुछ यहाँ पे है, कुछ तितलियाँ है ना, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए कि निश्चित संख्या का बोध नहीं ना करा रहे हैं, कुछ तितलियाँ हैं, कितनी तितलियाँ हैं उनको तो हम गिन नहीं पा रहे हैं, न गिन सकते हैं, अभी उड़ के यहाँ रहेंगी, अभी उड़ के कभी उड़ के जाएंगी वहाँ, तो इसलिए वर्बली बताया गया कुछ तितलियाँ हैं। वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ बच्चे कई आदमी, ठीक है, आदि। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो देखिए पिक्चर में देखिए, एक यहाँ अंकल हैं जो दुकानदार हैं, यहाँ एक बच्चा है, कुछ सामान लेने पहुँचा है यहाँ पे, ये मोहित है। मोहित की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा है। वह 2 किलो आलू, आधा किलो बैंगन, 250 ग्राम पनीर, 1.5 लीटर दूध, 500 ग्राम मक्खन, कुछ संतरे और थोड़ा धनिया लाया, ठीक है। हाईलाइट को आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो हाईलाइट है वो परिमाणवाचक विशेषण की के बारे में ही बताया जा रहा है इसमें, जो हाईलाइट है,
ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ मोटे छपे शब्द संज्ञा शब्दों का मापतौल बता रहे हैं। ठीक है, आलू क्या है? संज्ञा है। बैंगन क्या है? ये भी संज्ञा है। पनीर भी संज्ञा है, दूध भी संज्ञा है। तो ये सारा क्या है? मोटे शब्द जो हैं वो क्या बता रहे हैं? मापतौल बता रहे हैं संज्ञा शब्द का। ये शब्द परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते, ये केवल मापे या तौले जा सकते हैं, है ना। इन्हें हम क्या गिन सकते हैं? नहीं ना, कि आलू 5 गिन के ले आना, ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा। मम्मा अगर बोली भी होंगी इसको, मोहित को, तो बोली होंगी कि 1 केजी या 2 केजी आलू लेके आओ। सारा जो क्वांटिटी है ये केजी या ग्राम के, ग्राम में खरीदा होगा मोहित, है ना। जो शब्द संज्ञा शब्दों का मापतौल बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि उधर है जो संख्यावाचक को 2 भागों में बांटा गया, वैसे ही इसको भी बांटा गया है। तो निश्चित जो है, जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। अब अनिश्चित में आइए, अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है? जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल नहीं बताते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने आदि। अब देखिए चौथा है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ एक बच्चा है, देखिए वो क्या कह रहा है, यह पुस्तक बहुत मज़ेदार है, वह आदमी बीमार है। देखिए पिक्चर में यह आदमी क्या है? बीमार है। यहाँ यह तथा वह सर्वनाम शब्द है, तथा वाक्य में ये शब्द संज्ञा से पहले आए हैं, ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये संज्ञा से पहले लगा हुआ यह, ठीक है, वह, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को एकदम अच्छे से आप लोग रीड करेंगे, और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू मी एंड व्हाट्सएप टू मी इफ़ यू हैव एनी डाउट। फर्स्ट यू विल रीड चैप्टर 2 or 3 times, देयर आफ्टर यू विल अंडरस्टूड प्रॉपरली। ओके।